नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सिखाऊंगा प्लिन स्लैब बीम का आपको कैलकुलेशन। देखिए, स्लैब बीम मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, इसी स्लैब बीम का आपको ड्राइंग भी दिखाऊंगा। ये देखिए, स्लैब बीम है, स्लैब बीम। ये स्लैब से नीचे जितनी डेप्थ होगी, ये डेप्थ और विड्थ, और फिर ये इसकी हाइट जो भी होगी, यही यही कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर देखिए, ये डेप्थ दे रखे हैं ना, ये यही डेप्थ हम लोग को निकालना है। इसका कैलकुलेशन कैसे निकाला जाएगा, इसकी सेटिंग कैसे निकाली जाएगी, यही आपको आज मैं कैलकुलेशन में बताऊंगा। इसकी यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें, यही चीज़ आपको निकाल कर मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसकी डेप्थ, विड्थ और हाइट, इसको कैसे निकालते हैं। देखिए, संकन पोर्शन में है, संकन पोर्शन की हाइट कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ सेम है। ये जो बीम है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसी बीम को मैंने आपको ड्राइंग में अभी दिखा रहा हूँ, आपको ये पहले देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक, इस बीम से लेकर इस बीम तक के स्पान जो है, ये बीम का स्पान, इसी स्पान का आपको डिस्टेंस में अभी दिखा रहा हूँ ड्राइंग में, जो अभी आपको, चलिए आपको दिखा रहा हूँ उसकी ड्राइंग। ये है ड्राइंग, एक वही ड्राइंग था यहाँ पर दिखा रहा था ना, ये संकन पोर्शन है। इस संकन पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का विड्थ है। अब इसकी विड्थ कितने, 4.53 है। अब इसमें से क्या करेंगे, इतना माइनस कर देंगे, 600 को, 600 बाई 600 का कॉलम है, तो इसमें से 300 इधर माइनस कर देंगे, 300 इधर माइनस कर देंगे, जो लेंथ बचेगा उसी लेंथ को हम लोग करेंगे। अब देखिए, इसकी इसकी फॉर्मूला क्या होती है, इसकी होती है, इसकी किससे, इसकी स्लैब बीम के कैलकुलेशन का, लेंथ, विड्थ और हाइट। टोटल एल क्या है, टोटल स्पान ऑफ लेंथ, मतलब जो अंदर से अंदर है, जो कॉलम के आउटर फेस से लेकर और इनर जो पार्ट होता है, उसी को स्पान, टोटल स्पान ऑफ लेंथ लिख दिया गया। बी बी है टोटल विड्थ ऑफ बीम, मतलब कि जिसकी डे विड्थ होगी, जितनी चौड़ाई होगी उतनी उसकी हो गई। अब यहाँ पर टोटल डेप्थ ऑफ, इसमें हाइट क्या होगा, टोटल डेप्थ माइनस स्लैब थिकनेस, मतलब सपोज डेट 5 मीटर की आपके टोटल अंदर अंदर आपकी स्पान हो गई, उसकी विड्थ कितनी हो गई, 230। अब ये टोटल टोटल थिकनेस, अब तो सपोज ये पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, यहाँ पे देखिए, ये 5 मीटर, 500 का है टोटल यहाँ से। अब ये स्लैब हो गई इतनी, इस स्लैब में से इतना माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 375। तो वही मैंने 375 किया। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना क्यूबिक मीटर आ गया। अब देखिए, ये आपको जो अभी दिखाया था वीडियो में, अब यही वीडियो में आपको यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई टोटल। अब इसका निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, 230 दे रखा है और यहाँ पर भी दिया है, 230 इंटू 525। अब चलिए, इसके मैं ये निकाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा ये। इसको निकालने के लिए आपको एक्सेल में लेकर चलता हूँ, मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कैसा निकलेगा। चलिए, मैं आपको एक्सेल में इसको लेकर चलता हूँ। एक्सेल में आप आ गए, अब देखिए एक्सेल में आ गए। अब वहाँ पर आपको, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हो जाएगा 14, ठीक है, स्लैब बीम RCC, यही निकालना था ना हम लोग को। अब यहाँ पर हो जाएगा ग्रिड 6/8 to B। अब ये दिखा रहे, ये कहाँ से लिखा हूँ मैंने आपको, चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप, यहाँ पे ये जो ड्राइंग है ना, ड्राइंग में आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको ड्राइंग में, यहाँ पर ड्राइंग में देखिए, ये ड्राइंग हो गया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, 6 हो गया ये ग्रेड, और A to B, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी टोटल यहाँ से यहाँ तक अंदर अंदर कितना हो जाएगा, 4.538, मतलब कि एक्सेल में इसको लेकर चलता हूँ, आपको एक्सेल में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखूंगा हम, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको लेंथ कितना हो जाएगी, 4 पॉइंट, कितना था यहाँ पे आपका, 4 पॉइंट, आपको 538 था, 538 माइनस 0.600, ठीक है। टोटल लेंथ, स्पान को लेंथ इतना हो गया, विड्थ कितनी थी, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 230 दे रखा था, 0.23 हो गया। अब हाइट क्या थी, हाइट के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आपको ड्राइंग में, आपको ड्राइंग में इजीली समझ में आएगा, ड्राइंग में आपको चलिए दिखा रहा हूँ हाइट। अब इसकी क्या होगी, हाइट के लिए आपको यहाँ पर देखिए दे रखा है, यहाँ पे 525, आपको छोटा कर दे रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए 525, 230 दे रखा है,
यहाँ पे देखिए 525, 230 दे रखा है ना, अब 230 तो विर्थ हो गई, इसकी विर्थ हो गई। अब 525 है, 525 में से मैं 125 माइनस कर देंगे स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस ड्राइंग में दे रखा है आपको 525.525 -0.125, एंटर कर देंगे, इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, टोटल कैलकुलेशन करके इसकी ये इंटू 230.2230 इंटू ये एंटर कर देंगे, इतना क्यूबिक मीटर आपकी ये हो गई कैलकुलेशन, ये टोटल आपकी इतना हो गया। अब दूसरे दूसरे स्पान के लिए क्या करेंगे फिर, अब यहाँ पे है 3.768, अब दिखा रहा हूँ आपको ड्रॉइंग में, यहाँ पे दे रखा है ना 3.36। अब वो कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे आपको ये नहीं दिखा, फिर से दोबारा से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे टोटल हो गया, टोटल 4.38 हो गया, इसमें से यहाँ पे देखिए दिखा रहा हूँ, इसमें से आपको माइनस कर दिए 0.6, इतना आ गया टोटल स्पान। फिर 230 इसका विड्थ हो गया, यहाँ पे 0.48 हो गया ये जीरो। अब देखिए यहाँ 525 माइनस क्या किया मैंने, 525 माइनस 0.125 मीटर स्लैब थिकनेस माइनस कर दिया, टोटल आ गया। इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके इतना आ गया क्यूबिक मीटर। अब दूसरा ग्रेड, अब मान लीजिए यहाँ पहुँचे ग्रेड 6, अब यहाँ पहुँचेगा आपका B2C। अब B2C के निकालने के लिए आपको, चलिए अब ड्राइंग में दिखाता हूँ, इसका निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको ड्राइंग में जाना है, ठीक है। ड्राइंग में आ गए, अब ड्राइंग में देखिए यहाँ पे क्या है, 3.768, 3.768। अब क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 3.368, यहाँ 3.768, 3.7768 हो गया। अब 0.23 यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर वही, इसको अगर नहीं करना है तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बस हो जाएगा। इसको भी कर दीजिए, इसको भी कर दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा, इसको येलो में कर दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ स्लैब बीम RCC, यही होगा ना। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक येलो कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, दोनों को ड्रैप कर दीजिए, जोड़ देना है बस। यहाँ पर आ गया टोटल, यहाँ पर क्यूबिक मीटर हो गया, आपको टोटल क्यूबिक मीटर कितना आ गया, इतना बस। यहाँ पे इसको बॉक्स में ऑल बॉक्सेस कर दीजिए, सारे को ऑल बॉक्सेस कर दे रहा हूँ, और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी RCC कैसे निकालेंगे देखिए, मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया, आपको वीडियो में लेकर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब इसकी RCC कैसे निकालेंगे, इसका यहाँ पे दे रखा है ये वाली। तो अब इसकी हाइट, फिर विड्थ, ये हाइट तीन होंगे डबल, एक ये हाइट होगी, फिर एक ये हाइट, सब देखिए यहाँ पे एक ये हाइट हो गई, फिर इसके इधर वाली हाइट हो गई, यही विड्थ हो गया, एक दो तीन, तीन साइड हो गए। अब तीन साइडों के लिए क्या करना पड़ेगा फिर, आपको वहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एक्सेल में चलते हैं, एक्सेल में आपको अच्छा से समझाऊंगा। एक्सेल में आ गए, यहाँ पे क्या करना है, स्लैब बीम शटरिंग, ठीक है, स्लैब बीम सर्चिंग 15th नंबर हो गया। अब इसको कॉपी कर लीजिए सीधी सी, ठीक है, सारे को, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बीम की जगह पे क्या हो जाएगा, RCC की जगह पे हो जाएगा सर्चिंग, ठीक है, ये हो जाएगा सर्चिंग। टोटल स्पान तो ये हो गया, वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, आप दिखा रहा हूँ आपको फिर से, ये आ गया वीडियो में हम लोग,
वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये टोटल स्पान यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये वाली है, चलिए वो वाली दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ड्राइंग में, ड्राइंग वाली आपको जो ड्राइंग है उसको मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आप ये वाली देखिए, जो ड्राइंग में आपको दे रखा है ये वाली, ये यहाँ से इस कॉलम से लेकर इस कॉलम के फेस में हो गया ये। अब इस कॉलम को, इस फेयर कॉलम को फेस में सपोज आपको ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये यह हो गई, इस कॉलम के फेस से इस कॉलम के फेस से कितनी हो गई टोटल, देन टोटल यहाँ पे लेंथ हो गई, टोटल लेंथ तो आ गया ठीक है। अब ये विड्थ हो गई, ये हो गया, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे ठीक है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा फिर, 0.4 + 0.4 + 0.23 हो गया, यही तो करेंगे निकालने के लिए, एंटर करेंगे आ गया। अब इसको हटा देंगे, अब ये हो जाएगा, ये वाली हटा देंगे, हो गया, एंटर कीजिए, अब इसको इसको क्लिक कर देंगे यहाँ पे, एंटर कीजिए, आ गया, इतना स्क्वायर मीटर हो गया, क्योंकि 4.056614 आपका स्क्वायर मीटर हो गया टोटल। अब यहाँ पर भी वही आ जाएगा सेम, क्योंकि सेम लेंथ है, इसका भी सेम है, ये कर देंगे बस, ड्रैग एंड ड्रॉप, टोटल इतना आ गया क्यूबिक मीटर। बस यही सेटिंग के लिए इतना ही होता है। मेरे वीडियो अगर पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लाइक। थैंक यू।